नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। टीम इंडिया के स्टार ओपनर केएल राहुल श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाले T20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं है। उन्हें सीरीज से आराम दिया गया है, वो वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे। इस सीरीज में पहले भारतीय सेलेक्टर्स ने केएल राहुल को एक बड़ा झटका दिया है। सेलेक्टर्स ने उनके वनडे टीम की एक बड़ी जिम्मेदारी छीन ली। चेतन शर्मा के नेतृत्व होने वाली चयन समिति ने केएल राहुल को बड़ा झटका दिया और केएल राहुल से वनडे टीम की उपकप्तानी भी छीन ली गई है। उनके खराब खेल को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। केएल राहुल की जगह वनडे टीम की उपकप्तानी हार्दिक पांड्या संभालेंगे। वहीं हार्दिक पांड्या को T20 टीम की कमान भी दी गई है। केएल राहुल ने हाल ही में बांग्लादेश दौरे में रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद टीम की कप्तानी की थी, लेकिन अब आने वाले समय में हार्दिक पांड्या को ये जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। केएल राहुल को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बतौर विकेट कीपर शामिल किया गया है। उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय सेलेक्टर्स और वनडे टीम में केएल राहुल को आने वाले समय में भी यही रोल देने वाले हैं। केएल राहुल ने टीम इंडिया के लिए अभी तक बतौर कैप्टन 11 मैच खेले हैं। इनमें से टीम इंडिया को 7 में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा था। वनडे फॉर्मेट में केएल राहुल ने कुल 7 मैचों में भारतीय टीम की कमान संभाली, जिसमें से टीम को 4 में जीत और 3 मैचों में हार मिली। वहीं हार्दिक पांड्या ने अभी तक कुल 5 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से भारत को 4 मैचों में जीत और 1 में हार मिली है। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।